हाय गाइस एंड वेलकम टू दुबे जी की गाड़ी। क्या आप जानते हैं मारुति की विटारा ब्रीजा अपने फेसलिफ्ट के साथ आ चुकी है, जिसमें काफी सारे चेंजेस हुए। तो इस वीडियो में मैं मारुति विटारा ब्रीजा और उसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी कि ह्युंडई वेन्यू को कंपेयर करने वाला हूँ। इस कंपैरिजन में हमने काफी सारे डिफरेंट पैरामीटर्स लिए, जैसे कि प्राइस, डायमेंशन, इंजन, सेफ्टी, कंफर्ट, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इम्पोर्टेंट पैरामीटर को मिस आउट न करें। और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला पैरामीटर इस कंपैरिजन में हमने रखा है वो है इन दोनों की प्राइसिंग। तो देखिए, वेन्यू का जो टॉप वेरिएंट हम आईएमटी के साथ टर्बो इंजन S6 ऑप्शनल, ये आता है 11,92,000 का। वहीं ब्रेजा का ZXi प्लस मैनुअल आपको 12,30,000 का मिलता है। मतलब अगर हम डायरेक्ट प्राइसिंग की बात करें तो वहां पे वेन्यू को एक 40,000 रुपीज का एक मार्जिन मिल जाता है। बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। लेकिन ये अकेले पैरामीटर तो हो नहीं सकता जिस पर आप पूरी गाड़ी डिसाइड कर दें। तो अब हम और भी काफी सारे पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे, जैसे कि आता है डायमेंशन। देखिए, लेंथ वाइज दोनों गाड़ियां सब 4 मीटर है, बिल्कुल सेम लेंथ है। विड्थ में विटारा ब्रीजा को एक बहुत मामूली सा एडवांटेज मिलता है। हाइट में ब्रीजा को डेफिनेटली एडवांटेज मिलता है। व्हील बेस दोनों गाड़ियों का सेम है और बूट स्पेस में वेन्यू को स्लाइट एडवांटेज मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल कंपेयर करते हैं तो ऑन पेपर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर हाँ विटारा ब्रीजा में एक ज्यादा अच्छा स्पेशियस कैबिन मिलता है। हाँ, आपको बूट स्पेस थोड़ा छोटा मिलेगा, पर ओवरऑल विटारा ब्रीजा एक ज्यादा स्पेशियस कार है अगर हम कंपेयर करते हैं ह्युंडई के वेन्यू से। तो डायमेंशन वाइज हम एक बहुत स्लाइट एडवांटेज देते हैं विटारा ब्रीजा को, बहुत सिग्निफिकेंट एडवांटेज नहीं देते, लेकिन हाँ वहाँ पे हम विटारा ब्रीजा को एक मामूली एडवांटेज देते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इंजन कंपैरिजन, क्योंकि इंजन सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हमने अपने वीडियो में एक नया पार्ट इंक्लूड किया कि अगर आपको हमारा वीडियो देखने के बाद भी किसी टॉपिक पे डाउट है या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, उसका मैं रिप्लाई जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम इन दोनों के इंजन कंपैरिजन को देखते हैं। वेन्यू में आपको 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, वहीं पे ब्रीजा में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। वेन्यू आपको 120 पीएस की पावर, तो ब्रीजा 103 पीएस, 172 न्यूटन मीटर टॉर्क वेन्यू के साथ आ रहा है, तो 136 न्यूटन मीटर आपको ब्रीजा के साथ मिलता है। मतलब पावर और टॉर्क इज क्लियरली वेन्यू को एडवांटेज है। माइलेज की बात करें, वेन्यू 17, विटारा ब्रीजा 20। मतलब अगर आपको ज्यादा पावरफुल गाड़ी चाहिए तो वहाँ पे वेन्यू को एडवांटेज है। अगर आपको ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी चाहिए तो वहाँ पे विटारा ब्रीजा को एडवांटेज है। दोनों गाड़ियों में कोई भी अंडर पावर्ड हम बिल्कुल नहीं कह सकते, पर हाँ वेन्यू आपको ज्यादा फन टू ड्राइव फील होगी अगर हम कंपेयर करते हैं विटारा ब्रीजा से, सिंपली क्योंकि उसमें आपको ज्यादा पावर और ज्यादा टॉर्क मिलता है। वहीं पर अगर आप सीएनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ पे भी विटारा ब्रीजा एक अच्छा ऑप्शन है। अब हम चलते हैं सेफ्टी फीचर्स की तरफ। तो देखें, दोनों ही गाड़ियों का टॉप वेरिएंट है, आपको सेफ्टी फीचर्स में कोई कमी नहीं मिलने वाली। दोनों गाड़ियों में आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, एबीएस विद ईबीडी मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है, हिल स्टार्ट असिस्ट मिलता है। स्पेशल फीचर्स की बात करें, वेन्यू में आपको व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। विटारा ब्रीजा में आपको हेडसअप डिस्प्ले मिल जाता है, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा मिलता है। मतलब अगर हम ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोनों गाड़ियों में कोई भी ज्यादा पीछे नहीं है, दोनों में काफी अच्छे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। क्रैशलेस रेटिंग की बात करें, विटारा ब्रीजा का प्री फेसलिफ्ट मॉडल को 4 स्टार की क्रैशलेस रेटिंग मिली थी, जो अभी भी मोर ऑर लेस सेम ही रहेगी। वहीं पर अगर हम ह्युंडई वेन्यू की बात करते हैं तो उसका अभी तक क्रैशलेस नहीं हुआ, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे बाकी गाड़ियां बनी है ह्युंडई की, वही सेम प्लेटफॉर्म ह्युंडई वेन्यू में भी यूज करते, तो मोर ऑर लेस 3 स्टार के आसपास रेटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हम ओवरऑल सेफ्टी की बात करें तो वहां पर हम विटारा ब्रीजा को एडवांटेज देते हैं ह्युंडई वेन्यू के ऊपर। इसके बाद हम चलते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की बात करें। अब देखिए, वेन्यू और ब्रीजा दोनों का टॉप वेरिएंट है, दोनों में काफी फीचर्स मिलते हैं। 8 इंफोटेनमेंट आपको वेन्यू में मिलता है, वही 9 इंच आपको ब्रेजा में मिलता है। दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलता है, दोनों गाड़ियों में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम दोनों गाड़ियों में मिलता है, कनेक्टेड कार मिलता है। वेन्यू में आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है, ब्रेजा में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक मिलता है, और दोनों गाड़ियों में ऑटोमेटिक एसी, ये सारे फीचर्स कॉमन है।
मतलब ओवरऑल भी अगर हम देखते हैं तो दोनों ही गाड़ियों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर में। ब्रीजा को हम स्लाइट एडवांटेज दे सकते हैं क्योंकि उसमें भी काफी सारे नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग आपको वेन्यू में नहीं मिलता और हाँ छोटे मोटे फीचर्स इधर उधर है। मोर ऑर लेस दोनों गाड़ियां यहाँ पे इक्वल लेवल पे हम कंसिडर करते हैं। अब इसके बाद आता है आखिरी पैरामीटर यानी कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। देखिए ह्यूंडई और मारुति दोनों ही काफी बड़े एरिया को कवर करते हैं और काफी ज्यादा सर्विस नेटवर्क है। हाँ मारुति का डेफिनेटली काफी बड़ा है सर्विस नेटवर्क आज भी ह्यूंडई का कंपैरिजन में। सर्विस क्वालिटी दोनों का अच्छा है। वेन्यू में आपको 3 ईयर या अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी मिलती तो वहीं विटारा ब्रीजा में आपको 2 ईयर या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती। मतलब आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में भी मारुति को यहाँ पर एडवांटेज देते हैं। अब फाइनल कंक्लूजन की बात कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। लेकिन आप वेन्यू में डेफिनेटली 40,000-50,000 बचाएंगे अगर हम कंपेयर करते हैं विटारा ब्रीजा कंपैरिजन में, और आपको थोड़ा सा ज्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी मिलने वाली। वहीं आपको मारुति विटारा ब्रीजा की बात करें तो आपको थोड़ी ज्यादा सेफ्टी मिलेगी, ज्यादा आफ्टर सेल्स एंड सर्विस मिलेगा और ज्यादा अच्छा आपको यहाँ पे फीचर्स मिलने वाले। तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? अगर आप यंगस्टर हैं, आपको मोस्टली सिटी में ही ड्राइव करना है और आपको थोड़ी सी फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए तो वहाँ पे आप ह्यूंडई वेन्यू के साथ जा सकते हैं। वहीं पे अगर आपको एक ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी चाहिए, आप चाहते हैं जिसको आप हाईवे पे भी यूज कर सके, सिटी में भी यूज कर सके, ऑलराउंडर प्रोडक्ट अगर आप लेना चाहते हैं, थोड़ा सा वो कम पावरफुल रहेगा ह्यूंडई वेन्यू कंपैरिजन, तो वहाँ पे मारुति विटारा ब्रीजा एक डेफिनेटली बेहतर ऑप्शन है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको विटारा ब्रीजा डेफिनेटली ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगेगा एज कम्पेयर टू ह्यूंडई वेन्यू। आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है वो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा तो एक लाइक तो बताओ, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए माय चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।